गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस उबगड़िया बाल विद्या निकेतन। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड सॉलिड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। कल अपन पढ़ रहे थे कि अगर दो सॉलिड्स का मिक्सचर है तो उनको अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स पढ़े थे अपन ने, विनोविंग है ना, ये अपन ने कल पढ़े थे। सीविंग है, विनोविंग है, ये अपन ने पढ़े थे। आज उसी में चल रहा है, वी आर कंटिन्यू विद द दिस टॉपिक सॉलिड सॉलिड सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स। तो नेक्स्ट जो था वो था सब्लिमेशन। सीविंग पढ़ा था लास्ट अपन ने। सीविंग में क्या होता है कि सीविंग में जो लार्जेस्ट साइजेस के पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर जो स्मॉल पोर्स होते हैं लेफ्ट बिहाइंड है, और जो स्मॉलर साइजेस के कुछ क्या होते हैं पार्टिकल्स वो उन होल से पास आउट हो जाते हैं तो भी उनका सेपरेशन हो जाता है। उसी को कहते हैं अपन सीविंग मेथड। अब है सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखो, सब्लिमेशन करने से पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि अपन ने बात करी थी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि सॉलिड्स लिक्विड गैसेस जो होते हैं उनकी क्या पढ़ेंगे हम, इंटरचेंजेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी। कैसे होती है इंटरचेंजेबिलिटी, देखिए जैसे सॉलिड है, आइस का अपन एग्जाम लेते हैं, आइस, ठीक है। आइस क्या होती है, वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है, ठीक है, होती है। तो सॉलिड है आइस को जब टेम्परेचर कम मिलता है ना, तो वो क्या हो जाती है, हीट मिलता है, मतलब अगर उसको अपन गर्म करेंगे, किसको, आइस को, तो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है। फिर अपन अगर बात करते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड को अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, फ्रीज, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वापस सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसी लिक्विड को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस। वाटर वेपर जो होती है ना, पानी को गर्म करते हैं तो जो ऊपर कंटेनर होता है उस पर कुछ टिनी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं वाटर की, तो वो क्या होती है, वाटर वेपर, वो गैसेस फॉर्म होती है वाटर की। तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, और सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों क्या होते रहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी होते रहते हैं। गैस है वो लिक्विड में, लिक्विड होगा, गैस होती है उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, वाटर वेपर ठंडी होती है तो टिनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, लिक्विड फॉर्म। उस लिक्विड फॉर्म को और फ्रीज करते हैं, तो लिक्विड को अपन फ्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आइस। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है। तो इन तीनों जो स्टेट हैं उनमें क्या होती रहती है, इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये जो अपन पढ़ेंगे मेथड सब्लिमेशन, ये इसी पे क्या है, बेसिस है, इसी पे ये अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग लिया गया है। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द गैसेस, अपन ने बात करी है सॉलिड होते हैं वो क्या बनते हैं, लिक्विड, लिक्विड से वो क्या बनते हैं, गैस बनते हैं। लेकिन जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है उसमें सॉलिड जो होता है तो वो बिना वाटर के या बिना लिक्विड के सीधा ही किसमें चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में, है ना। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल क्या है, कैम्फर होता है, कैम्फर या आइस होती है, जो सॉलिड आइस होती है वो सीधा ही क्या हो जाती है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी, कैम्फर होता है कपूर, कपूर को भी अगर अपन बाहर रख देते हैं तो सीधा ही गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल। सब्लिमेशन क्या हो गया, ऐसी प्रोसेस होती है सब्सटेंसेस की जिसमें क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में, तो जिसकी वजह से वो भी सेपरेशन का मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना मेथड वो है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विद लिक्विड्स, ऐसे मिक्सचर्स जो सॉलिड के साथ क्या है, मिक्स हुए हैं, तो उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो फर्स्ट है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी, अपन सॉल्यूशन की बात करी थी अपन ने, अपन ने मान लीजिए वाटर है, वाटर में क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट। अब अपन को क्या करना है, सॉल्ट को वापस ऑब्टेंड करना है, तो अपन कर सकते हैं।
किस प्रोसेस से कर सकते हैं? बाय द इवोपरेशन। बाय द इवोपरेशन क्या करते हैं? व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व, ऐसे सब्सटेंसेस को अपन को वापस ऑब्टेन करना है जो क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, तो उसको अपन जो ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। जो लिक्विड्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? सीधा ही गैस में। कैसे बदल जाते हैं? ऑन द हीटिंग, ओवर द हीटिंग। अगर उनको क्या करेंगे, अपन हीट करेंगे, जो भी लिक्विड है उनको हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे? गैस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इवोपरेशन। वाटर है, वाटर लिक्विड, लिक्विड को अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। यही क्या है? इवोपरेशन है। एग्जाम्पल क्या है इसका? गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टिंग वाटर। सीज होते हैं ना, ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? सॉल्ट्स मिले हुए रहते हैं। तो जैसे ही सनलाइट गिरती है ना, तो वाटर तो क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है ना, सॉल्ट बनता है ना, नमक, फॉर्मेशन ऑफ जो सॉल्ट होता है वो इसी प्रोसेस पे बेसिस होता है, इवोपरेशन पे। क्योंकि वाटर जो है वो रह जाता है, सनलाइट गिरती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है वहाँ का? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉलिड लिक्विड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे और वो इवोपरेट हो जाएंगे। बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है? सॉलिड है ना, तो अपन लिक्विड से सॉलिड को ही क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या हो जाएगा? वहीं पर बच जाएगा और उसको अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन। फिर है देखिए मेथड नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उनको अपन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, तो उसे अपन कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, सेपरेट्स ए प्योर सब्सटेंस या सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कुछ सॉल्यूशन क्या करते हैं कि उनमें जितना भी आप मिलाना चाहें सॉल्यूट है ना, मिलाते जाएं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है ना, तब वो सॉल्यूट क्या होता है? डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो ऐसे अपन इन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टल क्या हो जाएगा? किसी भी सॉलिड फॉर्म की प्योर फॉर्म हो जाएगी, वो ऑब्टेंड करना, वो प्रोसेस जो होती है वो होती है क्रिस्टलाइजेशन। फिर है देखिए, अब ये तो क्या थे? सॉलिड लिक्विड हो गए मिक्स, जिससे अपन को क्या कर लिया? अपन ने उनको सेपरेट कर लिया। अब जो प्रोसेस है वो है इमिजिबल लिक्विड्स की, जो कि क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते है ना। ऐसे सॉलिड जो मिक्स नहीं हो रहे हैं लिक्विड में, उनका सेपरेशन कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो जो वाटर है, वाटर में सैंड गिर गई है ना, अब सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं होती वाटर में, तो उसको क्या करेंगे? सेपरेट करने का अलग मेथड है। ठीक है, देख लीजिए, सेडिमेंटेशन फर्स्ट जो है वो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन, देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब किसी लिक्विड पार्ट में अनडिसॉल्व रहते हैं कोई सब्सटेंस, जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं उन सॉलिड पार्ट्स को, उनको सेपरेट करने का जो मीडियम है या जो प्रोसेस होती है, मेथड होती है, वो होता है अपना सेडिमेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है? जो भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी लिक्विड में, और वो हैवियर पार्ट होते हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन द बॉटम, तो वो अपने आप, क्योंकि वो क्या रहेंगे? वेट में हैवी रहेंगे, तो हैवी रहेंगे तो वो जो बॉटम होता है वहाँ पर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, और उनको आप अपन जो है वो आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स सच अ वे दैट इज अ हैवी सब्सटेंसेस सेटल्स डाउन। दो जो सब्सटेंस है वो हैवी होने की वजह से बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है और उसको अपन आसानी से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो सैंड होती है वाटर में, अगर वो मिक्स हो जाती है सैंड इन वाटर, तो उसको अपन आसानी से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस होती है, वो होती है सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है? देखिए, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर टुगेदर। ऐसे दो सब्सटेंसेस जो क्या नहीं होते, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, सेपरेट लेयर बनाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है सेपरेशन की, वो होती है डिकेंटेशन। जैसे कि ऑयल और वाटर, तो ऑयल अलग रहता है, अगर अपन मिक्स करना चाहें तो वो इमिजिबल लिक्विड्स है, वो
मिक्स नहीं होते, है ना, तो वो अपना अपना एक लेयर बना लेते हैं अलग। तो बिना किसी सेडिमेंट मतलब सेटलमेंट के, बिना किसी जो सेडिमेंट होता है जो नीचे बॉटम में रहता है उसको डिस्टर्ब करे, अपन क्या कर सकते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है ऑयल है या वाटर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो मेथड होता है वो होता है डिकेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन में तो सॉलिड पार्ट होता है क्योंकि वो हैवी होता है तो वो बॉटम में चला जाता है, लेकिन डिकेंटेशन जो होता है वो दो लिक्विड के लिए है, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनका जो सेपरेशन मेथड होता है वो होता है डिकेंटेशन। वो क्या नहीं करते, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो बिना एक जो सेडिमेंट है जो नीचे रहता है थोड़ा, उसको अपन बिना डिस्टर्ब करे ही क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि वाटर और ऑयल है, है ना, वाटर ऑयल मिक्स अगर हो जाते हैं, मिक्स तो वो नहीं हो पाते हैं, लेयर बना लेते हैं, तो उनको एक बिना डिस्टर्ब करे ही अपन क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं वाटर फ्रॉम द ऑयल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं उनको अपन कर लेते हैं सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड बाय द फिल्टर पेपर। वाटर जो आता है घर पे, है ना, सीधी सी बात है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, अगर लिक्विड में कोई सॉलिड इम्प्योरिटीज है, लिक्विड है उसमें कोई सॉलिड पार्ट गिर गया है, मिक्स हो गया है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, बाय द फिल्टर पेपर या स्ट्रेयर पेपर जो आता है उससे अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो हो जाता है फिल्ट्रेशन। और जो अपने पास बचता है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, यूजेबल है जो, वो तो होता है फिल्ट्रेट, और जो बचा हुआ है इम्प्योरिटीज वो हो जाती है फिल्ट्रेट के बाद में जो बचा हुआ है वो होता है रेजिड्यू। क्या होता है, रेजिड्यू, जो बचा हुआ है अनवांटेड है, वेस्ट है, वेस्ट भी कह सकते हैं उसको, वो हो जाता है रेजिड्यू। और जो अपने पास जो क्या है, अपने लिए बेनिफिशियल है, जो अच्छा है, जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हुआ है उसको अपन कहते हैं फिल्ट्रेट। और ऐसी प्रोसेस जो होती है वो होती है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अपन ने कुछ मेथड्स पढ़े हैं सेपरेशन के, जो सॉलिड सॉलिड होते हैं, सॉलिड विद लिक्विड्स होते हैं और लिक्विड लिक्विड भी होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के मेथड्स अपन ने कुछ पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन और मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के। ऑल द बेस्ट।